रायपुर से खबर जहां विक्रम उसेंडी का बयान आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने बयान दिया है, सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल नहीं होगी। भाजपा सांसद और पदाधिकारियों को किसी का कोई फोन नहीं आया है। तो आपको बता दें कि आज धान के मुद्दे पर सीएम ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में बीजेपी शामिल नहीं होगी। और इस पूरे मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सर्वदलीय बैठक में बीजेपी शामिल नहीं होगी। दरअसल उनका ये कहना है कि भाजपा सांसद और पदाधिकारियों को किसी भी तरह का कोई फोन नहीं आया है, इसलिए बीजेपी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। कोई हमारे पास सूचना भी नहीं है इस बैठक के बारे में, कोई पत्र प्राप्त हुआ है ना, कोई जानकारी भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कल दिल्ली में बैठक में गए थे, मैं सीधा आ रहा हूँ और एक दूसरी काम से मुझे बाहर भी निकलना है अभी, तो इस कारण से हमें कोई जानकारी नहीं है कि बैठक का एजेंडा क्या है। उस नाते हम कोई बैठक में सम्मिलित होने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित नहीं होता जब कोई आमंत्रित ही नहीं किया गया है तो। ठीक है, चलिए। तो धान खरीदी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सौरभ, आज सर्वदलीय बैठक सीएम ने बुलाई है धान के मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर से इनकार कर दिया कि उनके सांसदों को पदाधिकारियों को फोन नहीं आया, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए श्रवण, जो है अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जो है दिल्ली से वापस लौटे हैं और उन्होंने कहा है कि हमारे किसी भी सांसद को या किसी भी जो बड़े पदाधिकारी है उनको फोन नहीं आया है, इसलिए जो है बीजेपी इस बैठक में भाग नहीं लेगी सर्वदलीय बैठक में। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी जो है आगे है और इसीलिए लगातार मांग कर रही है कि 15 दिसंबर को जो है नवंबर से जो है धान खरीदी की शुरुआत की जाए ताकि किसानों का जो भी धान का जो अभी उत्पादन हो चुका है और जो कटाई हो चुकी है वो उसको जो किसान बेचा जा सके। तो इसको लेकर उनका साफ तौर पर कहना था कि केंद्र सरकार जो है लगातार भी किसानों के मुद्दे पर काम कर रही, तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाया जाना और ये भी ना बताना कि और ना ही फोन करना कि किस मुद्दे पर ये बैठक बुलाई गई है, तो इस बैठक से पूरी तरीके से बीजेपी बहिष्कार करने की बात उन्होंने कही है। सौरभ, ऐसी परिस्थितियों में ये जो बैठक है उसमें कौन कौन यहाँ पर शामिल हो रहा है, कितने बजे से ये बैठक होगी, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है विशेष तौर पर शामिल होंगे क्योंकि उन्होंने ही जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वहीं जो है जेसीसी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से जो है पूर्व विधायक कार्के राय शामिल होंगे, बसपा के जो प्रतिनिधि रहेंगे वो शामिल होंगे और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी के लोग हैं वो शामिल रहेंगे। उसके अलावा जो है किसान संघ के पदाधिकारी हैं वो भी जो है शामिल रहेंगे और सभी से जो है सुझाव लिया जाए कि आखिर धान खरीदी के मुद्दे पर क्या किया जाए, एमएसपी जो 2500 रुपए जो केंद्र सरकार नहीं दे रही है उस पर राज्य सरकार क्या रुख जो है अपनाए, इसको लेकर जो है तीन बैठकें आज है। लेकिन पहली बैठक जो है भाजपा सांसदों की जो बुलाई गई थी उस बैठक में कोई नहीं आ रहे हैं और सुनील सोनी से भी हमारी बात हुई थी, रायपुर जो सांसद है उनसे बात हुई थी और जो अन्य जो सांसद है बीजेपी के उनसे भी हमारी बात हुई थी, उनको साफ तौर पर कहना था कि किसी का फोन नहीं आया है। जबकि शासन की तरफ से कहना है, शासन का इस पर वक्तव्य है कि सभी को फोन गया है, सभी को जो है प्रोटोकॉल अधिकारी की तरफ से फोन गया है। जी चलिए सौरभ, आप नजर बना रखिएगा, लगातार अपडेट इस खबर पर आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।